बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की रुपए की गिरती कीमत पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले इस वक्त भारत का रुपया लगातार गिरता ही जा रहा है। 81 रुपए के भी पार आपको बता दें कि रुपया जा चुका है। इसको लेकर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीएसपी की तरफ से ये मांग है कि भारतीय रुपये की विश्व बाजार में लगातार गिरावट भले ही सरकार की प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर न जोड़ी हो तथा लोगों को भी इसकी खास चिंता न हो, किंतु देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है, मनोबल भी टूटता है। सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह रुपए के अवमूल्यन को भी हल्के में ना ले। विदेशी मुद्रा भंडार के भी घटकर 2 साल के निचले स्तर पर आ जाने की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। रिजर्व बैंक और अन्य सभी चिंतित और व्याकुल है, इसलिए सरकार की गलत नीतियों, आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं का इसे दोष मानने के आरोप प्रत्यारोप में ना उलझकर इस ओर प्रभावित तरीके से त्वरित तौर से प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। तो ये बीएसपी अध्यक्ष ने रुपए की गिरती हुई कीमत पर सभी से आह्वान किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में त्वरित प्रक्रिया अपनाकर सोचें।